नमस्कार दोस्तों, मैं शिवली हूँ और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज व्यंग रचना का शीर्षक है डरा हुआ बादशाह। लेखक संपत सरल। झूठ और तिकड़मों के सहारे सिंहासन हथियाने वाला एक बादशाह सिंहासन छीनने के डर से इस कदर बेचैन रहता था कि जुगनू की गोंद उसको मशाल दिखती थी, सूर्य की लालिमा उसको रक्तपात दिखती थी और हवाओं की सरसराहट विद्रोहियों की कानाफूसियों की आवाज देती थी। वो शांति शब्द में क्रांति का झंझा सुनता था। उसके राज्य में अगर कोई सिपाही यातायात नियंत्रण के लिए सीटी बजा देता था तो उसे लगता था विद्रोहियों ने तख्ता पलट का बिगुल बजा डाला है। बरसात में बच्चों के घरौंदे बनाने पर वो भयभीत हो उठता था क्योंकि उसके खिलाफ खिले और मोर्चे बनाए जा रहे हैं। उसने बच्चों द्वारा कागज के हवाई जहाज उड़ाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी क्योंकि उनमें उसके खिलाफ जासूसी करने के लिए ड्रोन कैमरे लगे होते थे। डरे हुए बादशाह ने राजमहल के झरोके से गर्भवती चिड़िया का घोंसला फेंकवा दिया था क्योंकि उसको चुनौती देने वाला पैदा हो सकता था। किसी के मरने पर डरे हुए बादशाह को जरूर राहत मिलती थी यह देखकर कि मृतक की मुट्ठी खुली हुई है तो एक चुनौती तो खत्म हुई। एक नागरिक जल कनेक्शन के लिए पाइपलाइन डालने लगा था तो डरे हुए बादशाह ने उसको जिंदगी भर के लिए कारागार में पटक दिया क्योंकि वो उसके सिंहासन तक पहुंचने के लिए सुरंग बना रहा था। डरा हुआ बादशाह तो अपने परछाई तक को भी अपने लिए खतरा मानता था। वो राजमहल से तभी बाहर निकलता था जब सूर्य चांद सिर पर होते थे ताकि उसकी परछाई उसके कदमों में रहे और वो उसको रौंदते हुए चले। एक रात मंत्रियों से मंत्रणा के दौरान एक सेवक ने उसके पीछे जलता हुआ दीपक रख दिया। अपनी काली छाया को देखकर डरा हुआ बादशाह और भयानक डर गया। उसको लगा उसके सामने दुश्मन आ घटा है। उसने तलवार खींची तो दुश्मन ने भी ठीक वैसे ही तलवार खींची। गनीमत रही कि महामंत्री ने दीपक की जगह बदल कर खतरा टाला। वो अपनी नागरिकों की सतत जासूसी करता रहता था कि कोई उसके खिलाफ जासूसी तो नहीं कर रहा है। डरा हुआ बादशाह एक दिन एक स्कूल इंस्पेक्टर बनकर एक स्कूल में पहुंचा। जाकर देखा एक अध्यापिका चौथी कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ा रही थी। वो तुरंत ताड़ गया कि फोर्थ क्लास के बच्चों को गणित पढ़ाने का मतलब ये है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र के गणित फोर्थ स्टेज तक पहुंच चुका है। लेख बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखे अंक देख कर डरे हुए बादशाह का चेहरा शाहा और खून सफेद हो गया। उसने देखा कि बच्चों के हाथों में ना सिर्फ पेंसिल स्केच और शार्पनर जैसे खतरनाक हथियार थे बल्कि सबूत मिटाने के लिए रबर भी थे। वो जोड़ बाकी गुना भाग देखकर पसीने पसीने हो गया कि जो एक और एक आज दो है वो एक और एक कल ग्यारह भी हो सकते हैं। छोटे से कमरे में उसके खिलाफ बगावत करने के लिए कितनी घातक गणित चल रही थी। डरा हुआ बादशाह और भयानक डर गया और राज्य के तमाम शिक्षा संस्थानों पर बुलडोजर चलवा दिए। डरे हुए बादशाह के डर का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो चींटी देखते ही मसल डालता था क्योंकि चींटी उसके हाथी के सूंड में घुस सकती थी। ये अलग बात है कि हाथी उसके पास था ही नहीं। नमस्कार, मैं शिवली गायकवाड़।